नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज फिर से एक और नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी अपनी टेलरिंग की दुकान है, साउथ फेसिंग है, किसी कारण से अच्छी नहीं चल रही है, रिजल्ट अच्छे नहीं प्राप्त हो रहे हैं, इनकम अच्छी नहीं आ रही है, कस्टमर अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो आपको अपनी दुकान में क्या क्या काम कराने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आप अपनी दुकान को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आपने अपनी दुकान में क्या काम कराना है, और यदि आप अपनी नई दुकान खोलने जा रहे हैं तो सीटिंग और सेटिंग मेरे अनुसार आप कर ही लेंगे, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ वास्तुशास्त्र के साथ साथ, मैं आपको अपने अनुभव की बातें बताता हूँ। मेरी बातें, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियो को एक बार नहीं, दो तीन बार जरूर देखें, और देखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, फिर आप अपनी दुकान में सीटिंग और सेटिंग करें। तो मेरा ये मानना है, यदि आप इस तरीके से अपने यहाँ सीटिंग और सेटिंग करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छे प्राप्त होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ साउथ फेसिंग टेलरिंग की दुकान के बारे में। आपकी अपनी साउथ फेसिंग दुकान है, फ्रंट आपका नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऊंचा नीचा गड्ढे वाला नहीं होना चाहिए, टूटी हुई रोड सड़क गली है तो उसको आप अपने लेवल पे ठीक कराएं। दूसरी चीज़, फ्रंट में आपके यहाँ नाली है तो नाली को आप ज़रूर ढकवाएं, अच्छे से स्मूथ पत्थरों के साथ मसाला लगा के ठीक करके, अच्छे से नाली को क्लीन करके, साफ़ करा के फिर ढकवाएं। इसी के साथ में जो नाली ढकेंगे रेड कलर के पत्थर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में फ्रंट में जहाँ आपका अपना गेट आएगा वहाँ पर रेड कलर का फुटमैट या ब्राउन कलर का फुटमैट ज़रूर आना चाहिए। इसी के साथ में शटर पर जो कलर आना चाहिए, रेड कलर या बेबी पिंक कलर, गुलाबी कलर, इसी के साथ में बेज कलर भी आप शटर के ऊपर लेके आ सकते हैं। अब आपको अपने यहाँ पर किस चीज़ का और ध्यान रखना है, फ्रंट में आपने पानी नहीं गिराना है, फ्रंट के एरिया की पानी की, इस पानी से धुलाई नहीं करनी है, पानी का छिड़काव नहीं करना है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक मीटर और इन्वर्टर आपने कहाँ लगाना है, इलेक्ट्रिक मीटर और इन्वर्टर साउथ ईस्ट कॉर्नर में, कहाँ पर, साउथ ईस्ट में, इस हिस्से में आपका इलेक्ट्रिक मीटर और इन्वर्टर आ जाएगा। इसी के साथ आपके अपनी दुकान का फ्रंट ज़्यादा है और आप अपने दुकान में एल्यूमिनियम सेक्शन, ग्लास सेक्शन का पार्टीशन लगा के, फ्रेम बना के डोर लगाना चाहते हैं, एक तो शटर तो आपका लगेगा ही, शटर के बाद फिटिंग करते हैं किससे, ग्लास से, एल्यूमिनियम सेक्शन से, तो आप फिटिंग भी कर सकते हैं। फ्रंट में आपकी अपनी ये डिस्प्ले आ जाएगी, फ्रंट में आपकी यहाँ भी डिस्प्ले आ जाएगी, फ्रंट यदि आपकी अपनी दुकान का ज़्यादा है तो, फ्रंट यदि किसी कारण से ज़्यादा नहीं है तो आपकी अपनी डिस्प्ले आगे बढ़ जाएगी, ये आपकी डिस्प्ले आ जाएगी, ये आपका डोर बन जाएगा जी। ओनर भी और कस्टमर भी और स्टाफ भी यहीं से अंदर एंटर करेगा। आपके अपने यहाँ पर और किस चीज़ की आवश्यकता है, सबसे पहले आपने अपने यहाँ पर जो काउंटर बनाना है वो काउंटर आपने वेस्ट वॉल के सारे जितनी जगह आपको चाहिए उतनी जगह में आप अपना काउंटर बनाएं। ओनर को यहाँ पर खड़े होना है, सीटिंग चेयर यहाँ लेनी है, कहाँ पर, साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में। इसी के साथ में वेस्ट वॉल पर पीछे की ओर कंप्लीट डिस्प्ले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरेज भी और डिस्प्ले भी। इसी के साथ में नॉर्थ वॉल पर भी आपके अपनी डिस्प्ले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और ईस्ट वॉल पर भी आपके अपनी डिस्प्ले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वेस्ट वॉल पर सबसे ज़्यादा हैवी रखना है, नॉर्थ वॉल पर लाइट वेट और ईस्ट वॉल पर तो और भी लाइट वेट। आपकी अपनी कंप्लीट इस वर्किंग में किस चीज़ में, टेलरिंग की दुकान में किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, फ्रंट की डिस्प्ले हो गई, काउंटर हो गया, अब आपको
स्टिचिंग मशीन चाहिए। स्टिचिंग मशीन के साथ में आपने एम्ब्रॉयडरी की भी मशीन लगानी है, स्टिचिंग की मशीन हो गई, कटिंग टेबल लगानी है आपने, कटिंग टेबल आपकी अपनी काउंटर पे हो जाएगी, या अलग से लगाना चाहे तो अलग से ये आपका काउंटर बन जाएगा या आपकी कटिंग टेबल बन जाएगी। अब आपको प्रेस की टेबल भी लगानी है। प्रेस की टेबल जो आपकी अपनी लगेगी वो नॉर्थ वेस्ट जोन में, ये आपकी प्रेस की टेबल आ जाएगी यहाँ पर। स्टिचिंग के लिए जो मशीन लगेगी आपकी अपनी, स्टिचिंग के लिए मशीन आप अपनी यहाँ आ जाएगी, यहाँ आपका प्रेस वाला लड़का खड़ा हो जाएगा, यहाँ आपका स्टिचिंग वाला लड़का बैठ जाएगा। इसी के साथ में जो आपकी अपनी एम्ब्रॉयडरी की मशीन लगेगी वो आपकी अपनी इसी मशीन के आगे यहाँ आपकी अपनी एम्ब्रॉयडरी की मशीन लग जाएगी। इसी के साथ में आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी कहाँ रखना है, पीने का पानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके ईस्ट तक के हिस्से में किसी भी हिस्से में पीने का पानी आप यहाँ रख लीजिए। मंदिर आप लगाते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक कंप्लीट हिस्से में आप कहीं भी अपना मंदिर लगा सकते हैं। यदि आपके अपने यहाँ पर जो जलाई जाती है तो फिर मैं आपको कहूँगा ईस्ट के सेंटर से लेके साउथ ईस्ट के हिस्से तक इस हिस्से में आप अपना मंदिर बनाएं। आपके अपने यहाँ पर क्योंकि टेलरिंग का काम है एक लुकिंग मिरर की भी आवश्यकता है। लुकिंग मिरर आपने कहाँ लगाना है, ईस्ट के सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कंप्लीट इस हिस्से में आप कहीं भी अपना मिरर लगा लें। लुकिंग मिरर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पॉलिश खराब नहीं होनी चाहिए, साथ में विद फ्रेम रहे तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेमिंग होनी चाहिए। फ्रेमिंग जो लुकिंग मिरर की कराएंगे वो लाइट वेट होनी चाहिए, बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज़ और है, काउंटर ये आपका अपना ऊपर ग्लास आ जाता है, डिस्प्ले हो जाती है ग्लास आके, अंदर नीचे स्टोरेज आ जाती है, ये टेबल बनी, टेबल के अंदर कटिंग टेबल में भी क्या होता है, ऊपर टॉप पे कटिंग होती है और नीचे स्टोरेज आ जाती है कंप्लीट। जो चीज़ और बताने जा रहा हूँ मैं आपको, आपकी टेलरिंग की दुकान है, टेलरिंग की दुकान के अंदर कारपेट भी बिछाया जाता है, वो कारपेट आपका अपना कंप्लीट जो होना चाहिए लाइट ब्राउन कलर या स्काई ब्लू कलर, कौन सा लाइट ब्राउन या फिर स्काई ब्लू कलर का ही होना चाहिए। चाहे आप रेक्सिन का उसमें लगाएं, रेक्सिन मैट लगाएं, चाहे आप कारपेट के उसमें लगाएं, ऑफिस कारपेट, ठीक है जी। और आपको लगता है नहीं जी हमने ये नहीं लगाना है, कारपेट की हमें आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने यहाँ पर टाइल्स या पत्थर वाइट कलर का लगा के फिनिशिंग कर लें, साफ कर लें, तो आपका अपना काम बहुत अच्छा चलेगा। इसी के साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट में इस हिस्से के अंदर एक बल्ब जहाँ मीटर लगेगा, एक बल्ब सुबह से शाम तक कम से कम 60 वाट से 100 वाट तक का बल्ब होना ही चाहिए। यदि ये बल्ब जलता है यहाँ पर तो आपकी अपनी एक्टिविटी, आपकी अपनी वर्किंग बहुत अच्छी आ जाएगी। अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।